नमस्कार दोस्तों, ये आर लाइफ एंड टेक्नोलॉजी में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि कैमरे के, जो कैमरा हमारे लोगों के पास है, कैमरे की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। क्या कैम जो मैं जो मेरे फ्रेम आता है, क्या ये मेरा ओरिजिनल कैमरा से है, मैं किस तरह से करता हूँ, तो इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कितना अंतर पड़ सकता है। तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से अच्छा वीडियो बना सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को अगर क्लिक ना कीजिए क्लिक कर लीजिए, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा देख सकते हैं आपको मेरा फ्रेम बहुत ही ब्राइटनेस बहुत ही क्वालिटी का अच्छा क्वालिटी का आ रहा है, जो कि नॉर्मल क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी आ रही है। और एच डी में रिकॉर्ड करता हूँ, फुल एच डी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को बारे में बता दूँ आपको, यू कैम नाम का सॉफ्टवेयर है, उसको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसका प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड करिए, हो सकता है मैं इसमें लिंक दे दूंगा इस वीडियो में। और उस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर को आप यूज करेंगे, यूकैम का जो आएगा उसमें वीडियोस में आएगा एच डी पर 16:9 पर होता है, उस रेशियो पर आप करिए। और वहाँ पर सेटिंग पर आप एच डी पर रख दीजिए और आप रिकॉर्ड कीजिए। तो मैं आपको लाइव दिखा के दिखाता हूँ कितना अंतर आता है। और यहाँ पर मैं यूकैम से रिकॉर्डिंग को, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मेरा Redmi Note 4 का फ्रंट फेसिंग कैमरा है और अभी मैं यूकैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ बदल चुकी है और उतना क्वालिटी है, बैकग्राउंड में क्वालिटी है, बट फेस और हर चीज़ में थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा जो पहले अच्छी क्वालिटी लग रही थी, जो फेयरनेस और जो हर चीज़ थोड़ा सा देखने में अट्रैक्ट लग रहा था और बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही थी, वो कम पड़ गई है। तो ये है मेरा फ्रंट फेसिंग कैमरा यूकैम के बिना। तो यूकैम अगर मैं डाल लेता हूँ, तो इसी से पहले मैं शूट करने का सोचता था पर मैं नहीं करता था, मुझे और लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट नहीं होती थी तो और डालने के साथ ही थी, तो उतना मज़ा नहीं आता था, क्वालिटी में कैमरा उतना अच्छा नहीं लगता था। तो अब जो वीवो और जो ओप्पो में है उनमें इसी तरह सॉफ्टवेयर का बना होता है और कैमरे उनके इसी तरह अच्छे होते हैं, अच्छा लगता है। तो इसलिए यूकैम को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप इसे देख सकते हैं कितनी क्वालिटी चेंज होती है। यहाँ पर अब मैं यूकैम से स्टार्ट करूँगा इस वीडियो को, तो यहाँ इसको स्टॉप। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये यूकैम से मैं आ गया हूँ और यूकैम पे देख सकते हैं आप क्वालिटी कितनी अच्छी आ गई, ब्यूटी प्लस पता नहीं क्या क्या इफेक्ट्स लगे हुए हैं इसमें, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी है और फुल एचडी क्वालिटी है और वॉइस क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी हो जाती है। तो इस मामले में आपका फ्रेम बहुत ही अच्छा दिखने लगता है और आपका थोड़ा सा आपको बनाने का मन भी करता है, क्योंकि ये क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका मन भी करेगा। जब कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लाइट क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो थोड़ा सा फेस ये कैसे लगता है कि अरे क्या बनाए ना बनाए, या कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, और इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो दोस्तों, वही मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो बताया, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप अच्छा दिखते हैं और अच्छा है, आपके पास नॉलेज अच्छा है, या आप अच्छा थोड़ा सा क्वालिटी भी देखते हैं, तो वो 100% आपको प्लस पॉइंट ही है। अगर नॉलेज अच्छा है और आपकी क्वालिटी अच्छी है तब भी चलेगा चैनल, लेकिन अगर नॉलेज भी है और उसके बाद क्वालिटी भी अच्छी है तो और अच्छा ग्रो करेगा। तो वीडियो में क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए। आपको लाइट का मैंने बता दिया, एलईडी का एक से दो बल्ब लगा लीजिए, कमरे में बल्ब लगा लीजिए, बस उतना है। और बस स्टैंड रख लीजिए, सेल्फी स्टिक से लगा लीजिए, किसी भी तरह का मोबाइल को सीधा रख लीजिए, और 100-150 रुपये का मोबाइल का माइक ले लीजिए बस। फिर क्या, फिर इस तरह की क्वालिटी पर आप वीडियो बनाते जाइए, कोई ना कोई तो देखेगा ही और अधिक से अधिक लोग देखेंगे। तो ये आपको मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया कि आप उसमें क्वालिटी, इस कुछ फिल्टर्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर्स हैं, देख सकते हैं। लाइटिंग क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, थोड़े से लाइट आप बढ़ा सकते हैं। इसमें फिल्टर दिया, वार्म फिल्टर दिया हुआ है, रेड फिल्टर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। इस फिल्टर का ब्लैक एंड वाइट नाम है, ये भी एक अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप चाहें तो इस तरह हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये देखिए विंटेज लुक में है, और ये देखिए सॉफ्ट लाइट हो गई, तो ये देखिए फ्रेश, ये भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने ये फ़िल्टर बनाने के, ये भी बहुत ही प्यारा फिल्टर लग रहा है। तो इस तरह फिल्टर्स पड़े हुए हैं इसमें अच्छे। लाइव लोकेशन ये देख सकते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं, ये देख सकते हैं थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा अच्छा डिफरेंट दिखा रहा है यहाँ पर। तो बाहर अगर आप कहीं पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आप बैकग्राउंड के अनुसार आप इस तरह के फ़िल्टर लगा लीजिए, तो वहाँ से थोड़ा सा एडिटिंग अच्छी लगने लगता है। ये देख सकते, ये भी बहुत अच्छा फिल्टर्स हैं। तो अच्छे अच्छे फिल्टर्स हैं, इनको यूज करके आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस फिल्टर को मैं यूज अभी तक कर रहा हूँ, अगर आगे कुछ मुझे और अच्छा लगा तो मैं वैसे ही, मैं मेरे सभी उसमें एक ही फिल्टर रहता है, यही फिल्टर का मैं यूज करके वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। तो यूकैम परफेक्ट को जल्दी से जल्दी अपने इस पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और आपको मैंने लाइव ये दिखा दिया कि कैसा इसमें इम्पैक्ट पड़ता है और क्या
क्या अच्छाइयाँ इस सॉफ्टवेयर की, इस सॉफ्टवेयर से आप अच्छे से अच्छा वीडियोस पे व्यू पा सकते हैं, क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो 100% व्यू बढ़ेंगे जरूर, और नॉलेज भी अच्छा लगाना पड़ेगा तो बताना पड़ेगा। तो आई होप आप मेरी बातों से सहमत होंगे, मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप छोटे यूट्यूबर हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि मैंने जब से ये फ़ोन लिया था मैंने एक रिकॉर्डिंग नहीं की, अपने फेस टू फेस की कभी रिकॉर्डिंग नहीं की थी मैंने। बट जब से मैंने सॉफ्टवेयर लिया अभी तो मैंने कहा इसमें HD यूज करके देखा तो मुझे क्वालिटी बहुत अंतर लगा, तो मुझे लगा कि अब मैं वीडियो डाल सकता हूँ, क्योंकि अच्छी मेरा जो वीडियोज़ की क्वालिटी है वो अब कंपेयर कर सकती है और लोगों के वीडियो से, तो उतना बुरा वीडियो क्वालिटी नहीं आती है। और कैमरा मेरा वही है, मोबाइल मेरा वही है, लाइट क्वालिटी थोड़ी मैंने 50% मान के बढ़ गई है, मेरी LED बल्ब लगा दिया वहाँ पर, थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट पड़ गया, बट बाहर तो इन आउटडोर पे भी इसका बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर का फायदा है, मेरे सभी ज़्यादातर वीडियो आउटडोर भी पर हैं उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी बढ़ी, तो इससे मुझे थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिली और मैंने और ज़्यादा वीडियो डाले। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, अगर कोई जानकारी नहीं समझ में आती, अगर आपको कुछ गलती लगती है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगली बार दोस्तों किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक दोस्तों नमस्कार, बाय बाय, टाटा।